बेलारूस के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने में जुटा हुआ है रूस। रूस ने बेलारूस के फाइटर्स को ट्रेनिंग देने की खबर की पुष्टि की है। रूस के एक्शन से मोर्चे पर तनाव बढ़ने की आशंका है। देखिए, रूस और बेलारूस की दोस्ती के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि बेलारूस ही एक ऐसा देश है, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको, जो कि शुरुआत से जब युद्ध शुरू हुआ था, अगर रूस के शब्दों में कहें स्पेशल ऑपरेशन जब यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुआ था, तब से ही बेलारूस रूस के साथ, पुतिन के साथ मजबूती से खड़ा है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि रूस बाकायदा अब ट्रेनिंग भी दे रहा है बेलारूस में मौजूद पायलट्स को भी, बेलारूस में मौजूद सैनिकों को भी, क्योंकि लुकाशेंको ने इससे पहले कहा भी था कि अगर आपको यूक्रेन के खिलाफ हमला करने में बेलारूस की धरती भी चाहिए तो वो भी देने के लिए हम तैयार हैं, यहाँ से आप न्यूक्लियर अटैक तक कर सकते हैं, ये लुकाशेंको ने कहा था। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि आखिर क्या अब नया चल रहा है रूस और बेलारूस के बीच में, यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कैसी है, बिग बॉल पर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर हथियार, बेलारूस के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा है रूस। कहा जा रहा है कि अब ये पायलट्स हो सकता है कि अब इस वॉर में भी इस्तेमाल किए जा सके। न्यूक्लियर वॉरहेड वाले फाइटर जेट्स की भी ट्रेनिंग दी जा रही है पायलट्स को। साथ ही पुतिन के बेलारूस दौरे के वक्त हुआ ट्रेनिंग देने का फैसला, इसी मीटिंग में इस पर फाइनल मुहर लगी है। रूस बेलारूस के एक्शन से विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। रूस का तर्क क्या है, नेटो देशों को भी ऐसी ही ट्रेनिंग देता रहा है अमेरिका, और इसलिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आशंका क्या है, बेलारूस की धरती पर रूसी न्यूक्लियर हथियारों का पहुंचना खतरे की घंटी है, वार्निंग है। और कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन वॉर इसके बाद एक अलग और गंभीर दौर में जा सकता है। तो देखिए, आशंका जो बनी हुई है वो एक तरीके से डर है कि यूक्रेन को अब बहुत बड़ा नुकसान होने की भी संभावना है।